दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सूर्यकांत। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों नवरात्रि में हमारे देश में या तो हम 9 दिन का व्रत रखते हैं और कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। व्रत रहिए, श्रद्धा है, विश्वास है, धर्म की बात है, बहुत जरूरी है, रखिए। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, ये 3 कैटेगरी ऐसी हैं और चौथा है गर्भवती महिलाएं। ये 4 कैटेगरी ऐसे हैं जो व्रत ना रहेंगे तो भी देवी जी इनको बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी। देवी जी को प्रणाम करिए और कहिए कि मैं बच्चा हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं बीमार हूँ या मैं गर्भवती माँ हूँ, तो इस कारण इस बार मैं व्रत नहीं रख पा रहा हूँ या रख पा रही हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ चिकित्सक होने के नाते भी और वैसे भी कि ईश्वर इन सब कैटेगरीज के लिए एक विशेष प्रावधान कर रखता है और उनको आशीर्वाद ऐसे ही दे देता है, नमस्ते करने से ही दे देता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि व्रत के दौरान जो हम फलाहार करते हैं, तो अगर आप देखें तो उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। व्रत का जो भोजन, ट्रेडिशनल भोजन हम ट्रेडिशनल फलाहार करते हैं, उसमें हमारी कैलोरी वैल्यू ज़्यादा है, हमारी शुगर वैल्यू ज़्यादा है, हमारी कोलेस्ट्रॉल वैल्यू ज़्यादा है। तो कुछ लोग पहले से ही मोटे हैं, उन्हें ऐसा लगता है हम व्रत रहेंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा, गलतफहमी में है। दूसरे लोग डायबिटीज़ के लोग हैं, उनसे कहेंगे हम तो व्रत रहेंगे, हम तो कुछ खाते ही नहीं है, हमारी शुगर कंट्रोल रहेगी, वो डायबिटीज़ की दवा उस दौरान बंद कर देते हैं, गलतफहमी में है। कुछ लोग ऐसे हैं कि हम तो व्रत खा रहे हैं, व्रत रह रहे हैं तो हमें किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, तो अब सांस का मरीज इनहेलर बंद कर देता है, हृदय का रोगी हृदय की दवा बंद कर देता है, बीपी का रोगी बीपी की दवा बंद कर देता है, और कुछ तो कहता हम नमक खा ही नहीं रहे तो मेरा बीपी ऐसे ही ठीक रहेगा, तो वो बीपी की दवा बंद कर देता है, किडनी का रोगी किडनी की दवा बंद कर देता है, लिवर का रोगी लिवर की दवा बंद कर देता है, कहता हम तो साहब व्रत हैं, दवा की क्या जरूरत, कुछ खा ही नहीं रहे, छोटा मोटा खाते हैं। अरे भाई, जो आप छोटा मोटा खाते हैं, मैंने पुनः मैं कहता हूँ, उसकी कोलेस्ट्रॉल वैल्यू ज़्यादा है, उसकी शुगर वैल्यू ज़्यादा है, उसकी कैलोरी वैल्यू ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि जब आप फलाहार करें तो एक तो अपने चिकित्सक से सलाह ले लें अगर आपको कोई बीमारी है, और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको लगता है कि हमको मोटापा है, ऑलरेडी ज़्यादा वजन बढ़ सकता है, आपने देखा 9 दिन का व्रत रहा 2.5 किलो वजन बढ़ गया, तो ऐसी एक बैलेंस डाइट क्या नवरात्रि के दौरान हो सके जो हमारा वजन भी ना बढ़े, हमारी शुगर भी ना बढ़े, हमारी कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़े, हमारी कैलोरी भी ज़्यादा खर्च हमारे अंदर शरीर में ना आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहली बात तो हम अपने चिकित्सक से सलाह ले लें अगर कोई बीमारी है तो, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, हम एक बैलेंस डाइट बनाते हैं। कैसे, एक छोटी प्लेट लीजिए, एक बड़ी प्लेट लीजिए। दोस्तों बड़ी प्लेट में आप खाइए खीरा और फल, छोटी प्लेट में खाइए जो आपने फलाहार में बनाया है। अब समस्या है, लोग खीरा कैसे खाते हैं, खीरा काटते हैं और 4-5 पीस खा लेते हैं, जी नहीं। अगर व्रत रह रहे हैं तो दिन भर में आपको 6 खीरे खाने चाहिए, तो आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहेगा, वजन भी कंट्रोल रहेगा। अब कहेंगे डॉक्टर सूर्यकांत क्या बात कर रहे हैं, 6 खीरा कौन खाता है, नहीं खाता है इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, खाइए ना 6 खीरा। 6 खीरा खाना बहुत आसान है, 2 सुबह के समय, 2 दोपहर के समय और 2 शाम के समय। सूर्यास्त के बाद खीरा नहीं खाना चाहिए, कहते हैं सुबह का खीरा हीरा, शाम का खीरा जीरा, जीरा मतलब जीरो। तो अब खीरा खाने से ऐसा क्या विशेष महत्व है, खीरे पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि खीरे में 0 शुगर है, 0 कोलेस्ट्रॉल है, 0 कैलोरी है। देखिए कितने खुश हो गए, वो जो वजन कम करना चाह रहे हैं 9 दिन के अंदर, जो शुगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं 9 दिन के अंदर, 0 शुगर 0 कोलेस्ट्रॉल 0 कैलोरी की दूसरी कोई चीज़ भगवान ने बना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खीरा बनाया। भाई मेरी खीरे की कोई दुकान नहीं है, खीरे की मेरी कोई खेती नहीं है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इसलिए मैं तो जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो आपसे बात कह रहा हूँ। खीरे में पानी होता है जो आपको व्रत में खाली पेट रहेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा, खीरे में फाइबर है तो अगर आप केवल फलाहार खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, खीरा खाते रहेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। खीरे में मिनरल्स हैं, यानी ऐसे पोषक तत्व जो साधारण भोजन में नहीं पाए जाते हैं लेकिन उनमें ताकत बहुत होती है, तो स्फूर्ति ताकत। देखिए खीरा ऐसी चीज़ है जिसके अंदर न कैलोरी है, न शुगर है, न कोलेस्ट्रॉल है, और फिर भी वो क्या दे रहा है, ताकत दे रहा है आपको। कैसे दे रहा है, वो मिनरल्स, वो पोषक तत्व उसके अंदर होते हैं। तो खीरा में पानी है, फाइबर है, पोषक तत्व है, इसलिए खीरा
उन सबके लिए बहुत बढ़िया चीज है जो डायबिटीज के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, हार्ट डिजीज के मरीज हैं, जिनको कब्ज रहती है, लैटिन दो दो दिन नहीं होती है, होती है तो बहुत टाइट होती है, जो पाइल्स के मरीज हैं, एम्ब्रॉइड्स के मरीज हैं, ऐसे सब लोगों के लिए खीरा बहुत। और हाँ, सब एक बात तो भूल ही गया, जिनको ओबेसिटी है और जो वजन कम करना चाहते हैं, इन सब के लिए खीरा एक फल नहीं है, एक वरदान है। और उसके साथ साथ अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो कोई भी फल आप साथ में खा सकते हैं। तो मैंने कहा आप व्रत में क्या करेंगे, दो प्लेट लेंगे, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट। बड़ी प्लेट में खीरा, सेब, केला, पपीता, इस तरह के फल रखेंगे और वो खाएंगे। और खास तौर पर उसमें जो ये जो फलों का मैंने मिश्रण बताया, इसमें 70% खीरा होगा, 30% में बाकी सब फल होंगे। और दूसरी जो छोटी प्लेट लेंगे उसमें आप कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन रखिए, जैसे मान लीजिए आपने कूटू की पूड़ी बनाई है तो उसके साथ कद्दू की सब्जी जरूर बनाइए। क्यों? कहते हैं कि पूड़ी को अगर कद्दू के साथ खाया जाए तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, शुगर नहीं बढ़ती है। तो कद्दू में फाइबर बहुत होता है। तो आप कहेंगे कि आप तो इस आज जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें लाए हैं, खीरा आप खाते नहीं, कद्दू आप सुन के नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं। जी हाँ, कद्दू बहुत अच्छी सब्जी है, खीरा बहुत अच्छा फल है, और यही आपको वजन कम करा सकता है, यही शुगर कंट्रोल कर सकता है, यही कोलेस्ट्रॉल कम कर सकता है। लौकी की सब्जी आप ले सकते हैं, आप तरोई की सब्जी बना सकते हैं, परवल की सब्जी बना सकते हैं, पालक की सब्जी बना सकते हैं, कोई भी हरी सब्जी आप साथ में बना सकते हैं। और हाँ, आलू तो आपका फेवरेट है ही, वो तो मुझे मालूम है, उसके साथ आप मट्ठा दही का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बना लेता है एक बैलेंस डाइट, जिससे कि आपका फलाहार भी चल जाएगा। और हाँ भाई, बिना मीठे के तो हिंदुस्तान में कुछ होता नहीं है, तो आप साबूदाना की खीर भी बना लीजिए, और जिनको डायबिटीज है वो स्टीविया उसमें डाल लें, शुगर फ्री नहीं मैं कह रहा हूँ, स्टीविया उसमें डाल लें, स्टीविया का प्लांट लगा लें तो उसकी पत्ती ले लें, और नहीं तो स्टीविया का लिक्विड भी आता है, स्टीविया का पाउडर भी आता है। स्टीविया एक हर्बल नेचुरल शुगर है जो शरीर को लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं देता है, तो वो डाल लें आप खीर में। तो साबूदाना की खीर है, या जो आप वो जो समी की खीर बनाते हैं वो बना सकते हैं, आप जो है वो पकौड़ी बना सकते हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, उसकी कूटू की, इसके साथ साथ आप जो है वो सिंघाड़े के आटे की बना सकते हैं, पूड़ी पराठा या पकौड़ी। तो और पकौड़ी बनाते समय ध्यान रखें कि उसके अंदर भी थोड़ी काट के सब्जियाँ कर देनी चाहिए, जिससे कि बैलेंस बराबर हो जाए, क्योंकि तेल आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो वो भी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से बैलेंस आप खाना करिए। और हाँ दोस्तों, पानी बहुत पीते रहिए, और हाँ अगर कोई भी बीमारी है तो अपने डॉक्टर से दवा की सलाह जरूर ले लीजिए, और सांस के रोगी हैं तो इनहेलर जरूर लेते रहें, इनहेलर लेने से व्रत नहीं टूटता है। तो आप छोटी मोटी बातों का ध्यान रखिए, और नवदुर्गे का एक फ़ायदा उठाइए कि वजन भी कम कर लीजिए, शुगर भी कंट्रोल कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल भी कम कर लीजिए, और स्वस्थ रहिए, और माँ का आशीर्वाद भी लीजिए। नमस्कार।